वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले हमने काफी सारे कलाकार जो हैं आपके रात को 9 बजे संपूर्ण चित्रों से निपटाए हुए हैं, जैसे अवनीन्द्रनाथ टैगोर हो गया, असित कुमार हल्दार हो गए, क्षितिजनाथ मजूमदार हो गए, यामी राय, ये सारे कलाकार जो हैं इनके जितने भी चित्र हैं इम्पोर्टेंट जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, ये सारे चित्र हमने आपके करवा दिए हैं। ठीक है, जिसने ना पढ़े हो तो आप पढ़ सकते हैं पीछे की क्लासे जाकर। ठीक है, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमें पढ़ना है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। क्या पढ़ना है आज हमें? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, और हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कलाकृतियां दी है ना, इतने में से ही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, वो तो फिर बाद में किस्मत की बात होती है कि पता नहीं कौन सी कलाकृति आपकी एग्जाम में आ जाए, लेकिन जितनी आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो आपके सामने है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो क्या है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखना है, तो इनकी जो कलाकृति है पहली, थके हुए यात्री। क्या है पहली कलाकृति आपकी? थके हुए यात्री। दूसरी है नर्तकी। तीसरी है प्याली। तो याद रखना है, पूछा जाएगा थके हुए यात्री या फिर प्याली, ये जो कलाकृतियां हैं आपकी ये किसकी हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, पूछ लेगा नर्तकी, थके हुए यात्री, तब भी आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट कलाकृति क्या है। नेक्स्ट है आपकी प्राचीन कानाफूसी। क्या है? प्राचीन कानाफूसी। जैसे आप लोग कानाफूसी करते रहते हैं, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, सेम टू सेम यही चीज है। प्राचीन कानाफूसी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। फिर दे रहा है माँ और बच्चा। क्या है आपका? माँ और बच्चा दिया है, तो ये भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और फिर है ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो याद रखना है ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, फिर क्या है? अंगूर की ओर अंगूर की ओर आकर्षित हिरण। पूछ लेगा अंगूर की ओर आकर्षित हिरण कौन है, मतलब किसकी है कलाकृति? याद रखना है किसका चित्र है, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां तक हो गया। आगे है क्रंदनकर्ता ऊंट। क्या है आपका? क्रंदनकर्ता ऊंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्रंदनकर्ता ऊंट अगर आता है एग्जाम में तो आपको क्या लगा के आना है वहां पर? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद। आगे है लाफिंग फेस, ये भी इन्हीं का है। फिर दे रहा है सफेद धागे, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी भी कलाकृतियां थी वो हमने आपके सामने पूरी ऊपर से नीचे तक आपके सामने है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फटाफट से। क्या है? थके हुए यात्री, नर्तकी, प्याली, प्राचीन कानाफूसी, माँ और बच्चा, ट्रीज, अंगूर की ओर आकर्षित हिरण। जैसे आप लोग आकर्षित हो जाते हैं ना अंगूर की तरफ देख लेते हैं तो वैसे ही। आगे क्रंदनकर्ता ऊंट, लाफिंग फेस, सफेद धागे, ये सब किसके चित्र हैं? ये सब हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं। ठीक है, ये बात हो गई। फिर नीचे दे रहा है आपका वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस का टैग लगा हुआ है। तो आपको अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए।